टुडे वी विल बोर्न में स्टार्ट दिस करते हैं। आज हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य होता क्या उसके बारे में, है ना। तो हम लोग जानते हैं सोलर सिस्टम में के जो बीच में क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, सूर्य रहता है। इसके बाद सूर्य के चारों ओर यानी कि प्रक्रमा इलेप्टिकल शेप में उस साइड से उस साइड इलेप्टिकल पाथ पे यानी कि रेवोल्यूशन होता है क्या, प्लैनेट, जितने सारे प्लैनेट है जैसे कि ये मरकरी हो गया सबसे छोटा प्लैनेट, इसके बाद वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया सबसे बड़ा प्लैनेट, सैटर्न हो गया, रिंग प्लैनेट, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया। तो आपको हमने बोला छोटा प्लैनेट मरकरी हो गया, बड़ा प्लैनेट जुपिटर हो गया एंड रिंग वाला जैसे ये प्लैनेट है उसके ऊपर भी यानी रिंग है ना, तो वो कौन सा हो गया, सैटर्न हो गया, ये आप याद रखेंगे। अब आपको बोले साइज के हिसाब से कौन सा प्लैनेट कैसे कैसे होगा, तो पहले जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इसके बाद अर्थ, मार्स, वेनस एंड मरकरी। ऐसे आपको बोल दे इनर प्लैनेट क्या है, आउटर प्लैनेट क्या है, तो इनर प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक है मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, जिसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं। और जो भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर रॉक्स वगैरह, मिट्टी वगैरह ज़्यादा पाया जाता है, ठोस चीज़ें जैसे डायमंड हुआ, डायमंड हुआ, बहुत सारे यानी कि ऐसे ऐसे चीज़ पाए जाते हैं जिसका जो कीमती रहता है, जैसे कि मोती वगैरह हुआ है ना, उसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। और ये जो चार प्लैनेट इधर है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, उस डस्ट वगैरह और उसमें गैस ज़्यादा यानी कि अवेलेबल रहता है, इसीलिए इसको जोबियन प्लैनेट बोलते हैं। इसको इनर के साथ उसको आउटर, OUTER, आउटर बोलो या और यानी तो जोबियन, JOBIAN, जोबियन प्लैनेट, JOBIAN होता है जोबियन प्लैनेट, उसको बोलो यानी तो TERRESTRIAL, टेरिस्ट्रियल प्लैनेट, ये बोलो। ऐसे साइज के हिसाब से मैंने लिख दिया है, साइज के हिसाब से अगर आपको बोले प्लैनेट को कैसे लिखना है तो पहले जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून एक साथ लिख लीजिए जो आउटर प्लैनेट है। इसके बाद इनर प्लैनेट में थोड़ा चेंज हो जाता है, अर्थ पहले आ जाता है, मार्स आ जाता है, इसके बाद वेनस एंड मरकरी जो सबसे छोटा प्लैनेट होता है, जो जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट होता है साइज में। रिंग प्लैनेट सैटर्न होता है, मैंने बता दिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि रियली में प्रैक्टिकली तो हमने समझ गया कि सूर्य क्या होता है। सूर्य इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, मैंने बता दिया। साइज ऑफ द 13 लाख टाइम्स ऑफ एज एट दैट ऑफ द अर्थ, यानी कि 13 लाख गुना अर्थ के, अर्थ से बड़ा है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा होता है सूर्य, है ना। इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, यानी सूर्य क्या है, हेड ऑफ द स्टार, मैंने पहले बता दिया पिछली लेक्चर, अर्थ इज अ हेड ऑफ ए स्टार। लेकिन इसके साथ साथ सूर्य अर्थ क्या है, नियरेस्ट यानी कि सूर्य भी क्या है, एक स्टार है। तो अर्थ इज अ नियरेस्ट स्टार ऑफ द सन, है ना, स्टार, नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा क्या मानते हैं, सूर्य को मानते हैं, क्योंकि सूर्य भी एक स्टार है, हेड ऑफ द स्टार उसको बोलते हैं, है ना। इट यूटिलाइज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ, क्या होता है, सूर्य से जो जितना प्रकाश निकलता है, हीट निकलता है, जो हमारे पृथ्वी पे जो हम लोग रहते हैं उसको यानी अब एनर्जी मिलता है, सोर्स ऑफ एनर्जी मिलता है, जिस कारण कोई भी जानवर, एनिमल्स, नॉन एनिमल्स जो होते हैं, सोशल एनिमल्स जिसमें जान होता है, लिविंग बायोटिक होता है जिसमें यानी कि जान होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिस कारण यानी कि अर्थ पे सर्वाइव करते हैं, यानी रहते हैं, जी पाते हैं। दूसरा है, हाँ ये हो गया, इट्स डायमीटर इज 14 लाख किलोमीटर्स, सूर्य का जो, जैसे ये सूर्य है तो एक सर्कल मान लीजिए, उसका जो ये डायमीटर जो है बीच वाला सेंटर वाला डायमीटर, उसका है 14 लाख किलोमीटर्स पर किलोमीटर्स, है ना। इट इज अ कंपोज ऑफ 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम एंड 25.5
25% अदर एलिमेंट्स, बोल रहा है कंपोज, यानी सूर्य में 71% हाइड्रोजन पाया जाता है और 26.5% हीलियम पाया जाता है एंड 2.5% अदर एलिमेंट्स डस्ट वगैरह सब पाया जाता है। विदिन सन इज अ हाइड्रोजन इन कन्वर्टेड इन टू हीलियम ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन रियलाइज एट ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट यानी बोल रहा है सूर्य जो है हाइड्रोजन से कन्वर्ट करता है हीलियम में। क्यों करता है, क्या है, ड्यू टू क्यों करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रीजन है उसके पीछे। न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है, आपको अगर दो छोटे छोटे न्यूक्लियर, पहले तो आप जान लीजिए उसका डेफिनेशन होता है क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन का। और न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर ऑफ इन टू द न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर ऑफ टू लोअर न्यूक्लियर टू कन्वर्ट अ हैवियर न्यूक्लियर। उसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियर उसको बोलते हैं न्यूक्लियर विद इन हीलियम ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन उसको बोलते हैं हम लोग जो दो छोटे से एटॉमिक न्यूक्लियाई हो, एटॉमिक नंबर के एटॉमिक न्यूक्लियाई को एक बड़ा सा एटॉमिक न्यूक्लियर में कन्वर्ट कर पाए, दो को एक बना पाए, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। इट हैज अ सरफेस थिन इन द सन हाइड्रोजन टू द टू हीलियम ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन इट हैज अ सरफेस टेम्परेचर सरफेस टेम्परेचर ऑफ 557 केल्विन और 5504.85 है ना, उसका क्या होता है डिग्री सेल्सियस में वहाँ पे टेम्परेचर पाया जाता है, ये आपको याद रखना है ना। और हम बात करेंगे सूर्य के बारे में, 5778 केल्विन होगा यहाँ पे, 5778 केल्विन ये यहाँ पे होगा। एंड लास्ट है द टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ द सेंटर इज अराउंड करीब, टेम्परेचर जो है सेंटर में अराउंड करीब कम से कम 1.57 × 10^7 केल्विन और नहीं तो उसके जगह 1 crore, 1 lakh, 10 lakh crore, 10 crore, 15 crore डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम कुछ पार्ट्स ऐसे दिखाएंगे जो आपको थोड़ा समझ में आ जाए, है ना। शाइनिंग सरफेस ऑफ द सन एट 5778 केल्विन, अब वो पीछे हम बता चुके हैं, है ना। द आउटर लार्जर ऑफ सन्स इज फोटोस्फीयर, एक बात आप समझ लीजिए, बहुत इसमें पहले इतना समझ लीजिए, जो सूर्य का जो आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर यानी सूर्य का जो बाहरी लेयर होता है उसको फोटोस्फीयर बोलते हैं, ये पूछता भी एग्जाम में। इट अपीयर्स लाइक अ डिस्क रेडियस, हम क्या बोले सूर्य एक क्या है, ये डिस्क की तरह है, गोलाकार होता है, डिस्क की तरह है, रेडियस है एक तरह का, वो ये रेडिएट्स एनर्जी डिस्क अ डिस्क रेडिएट्स एनर्जी एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी भी होता है जो इस कारण हम लोग पृथ्वी पे सर्वाइव कर पाते हैं, रह पाते हैं। द आउटर लेयर ऑफ द सन इज एटमॉस्फेयर, इट अपीयर्स दिस रेडिएशन एंड एनर्जी एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब एक बात बताइए, यहाँ पे रेडिएट्स एनर्जी था, यहाँ पे क्या है
एटमॉस्फेयर में जो सूर्य का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, एटमॉस्फेयर में सूर्य लेयर होता है, आउटर लेयर सब सूर्य का एटमॉस्फेयर में, इट अपीयर्स लाइक अ डिस्क तो होता ही है, लेकिन उसका जो रेडिएशन आपने सुना होगा सूर्य में से कितने सारे रेडिएशन निकलते हैं, रेडिएशन एनर्जी एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी कुछ यानी जो एटमॉस्फेयर में यानी कि रुक जाता है, वो उसको यूवी ओजोन लेयर यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज वगैरह यानी रेडिएशंस को आने नहीं देता है। कुछ रेज ऐसे होते हैं रेडिएशंस जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जो आते हैं हमारे यानी जीने के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी बनता है यानी कि ऊर्जा बनता है। अगला है द आउटर लेयर ऑफ सन्स मेड ऑफ इन थीन हॉट गैसेस। अच्छा नहीं, आउटर लेयर ऑफ द सन यानी आउटर लेयर ऑफ द सन सूर्य का बाहरी जो भाग रहता है, अंदर वाला भाग नहीं बाहरी भाग रहता है, वो एकदम पतली और गर्म गैसेस रहते हैं हाइड्रोजन और हीलियम का, जो मैंने पहले बता चुका है। द प्लैनेट्स ट्रेवल विद द सन थ्रू मिलियंस ऑफ स्टार आवर गैलेक्सी एट द स्पीड ऑफ अबाउट 70,000 किलोमीटर पर आवर। अब बता रहा जो प्लैनेट ट्रेवल करता है सूर्य के, उसमें प्लैनेट भी तो हम लोग जानते हैं बहुत सारे यानी मिलियंस ऑफ स्टार होते हैं, है ना, आकाश में तो मिलियंस ऑफ स्टार, गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार होते हैं, या बिलियंस भी बोल दो, मिलियंस ऑफ स्टार गैलेक्सी में, हमारे गैलेक्सी में आकाश गंगा में पाया जाता है। जो ग्रह जो ट्रेवल करता है सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, कितने स्पीड में लगाता है, तो 70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में सूर्य के चक्कर लगाता है क्या, प्लैनेट, जितने सारे प्लैनेट हैं, आठों प्लैनेट। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। सूर्य के 150 मिलियंस किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ यानी पृथ्वी के जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितना यानी कि डिस्टेंस है, 150 मिलियंस किलोमीटर दूर है ना। लाइट्स क्या द स्पीड ऑफ लाइट कैट द स्पीड ऑफ 3 लैक्स किलोमीटर सेकेंड लैक्स अबाउट 8.52 रिच द अर्थ फ्रॉम द सन। यहाँ पे लाइट यानी कि लाइट का जो स्पीड होता है, अब ये तो हम समझ गए हैं कि कितना दूर होता है, 70,000 किलोमीटर दूर होता है सूर्य के पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में उसका जो प्लैनेट के जो स्पीड होता है ना, प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस होता है, और ये तो हम समझ गए। लेकिन वो उसका 150 मिलियंस अवे है जो सूर्य पृथ्वी के, वो भी समझ गए। अब हमको समझना क्या है, जो रोशनी सूर्य से पृथ्वी पर आता है कितने मिनट में आता है, 8.50 मिनट्स में आता है, 1.5% लिख दिए है ना, उसको क्लॉक में लिखना है, तो 8.50 मिनट्स में हमारे पृथ्वी पे सूर्य का रोशनी पहुंच जाता है, या 30 मिनट्स में हमारे सूर्य का रोशनी पृथ्वी पे पहुंच जाता है ना। और वो जो रोशनी जो स्पीड में कितना आता है, 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड के स्पीड में वो रोशनी जो पृथ्वी पे आता है, तो वो रोशनी कितने स्पीड में आता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड में आता है, यही हमको बताना था। सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।
जहाँ पे समझ में नहीं आया कमेंट्स कीजिए।